अनिका बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसकी तो मेमोरी कभी गई नहीं थी, उसे सब याद है। मिसेस कपूर चिल्लाती है, ठीक है मैं मानती हूँ कि तुम्हारी शादी इससे हुई है, ये अभी भी तुम्हारी बीवी है, लेकिन टिया का क्या, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई ना टिया से। शिवाय कहता, अच्छा मुझे लगता है मिसेस कपूर आप फिल्में नहीं देखती हैं। फिल्मों में होता है ना नकली शादी, नकली पंडित। देखा मंडप पे से रुद्र खड़ा हुआ पंडित के रूप में, कहता है आई एम हियर। कैसी लगी मेरी एक्टिंग आप सबको? वहां से रुद्र कुछ ने बोला, यहाँ से मिसेस कपूर ने बोला, तो तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे? हाँ सर, कहता जी नहीं, खेल तो आप खेल रही थी, हमने तो बस आपका खेल खत्म किया है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। सब समझाता हूँ दादी, बड़ी लंबी कहानी है। उसने बताना स्टार्ट किया कि जब अनिका गिरी थी वो सब हमारा प्लान था, हमारी कोई फाइटिंग नहीं हुई थी, उसकी कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई थी। सब शिवाय आप लोगों को बता रहा है सारी चीज़ें कि हमारा सब प्लान था। और ये जब टिया ने बताया कि ये मेरी बच्ची की माँ बनने वाली है, तभी से मैंने ये प्लान स्टार्ट कर लिया। बता रहा है सारी चीज़ें बताया उसने, अनिका कहती है और प्लान के मुताबिक मैंने याददाश्त चले जाने का नाटक किया। हम ये ड्रामा तब भी करते रहे जब हमें बिल्कुल अकेले होते थे, क्योंकि हम जानते थे कि इनकी नज़र हमारे ऊपर है। सारी चीज़ें बताई उसने, शिवाय कहता है फिर हम एक दिन दुष्यंत तक पहुंच गए, तो हमारा मिशन आधा कंप्लीट वहीं हो गया था जब हमें पता चला कि रॉबिन ही टिया का होने वाले बच्चे का बाप है। और हमने ये सब ड्रामा किया, जब शादी हुई नहीं तो टिया इसकी वाइफ कैसे हुई? टिया शिवाय के पास, शिवाय आई एम रियली सॉरी, मॉम के कहने पे आके मैंने तुम्हें धोखा दिया, यहाँ तक कि अनिका पे अटैक्स भी प्लान किए, आई एम रियली सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग। आप सबसे भी माफ़ी मांगी उसने, आप सबने भी हमेशा मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, मुझ पर भरोसा किया, और मैं आप लोगों को धोखा देती रही। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। पिंकी गई उसके पास, किया कह रहे थे क्या कह रही है, कह रही थी सब झूठ है। ये थी नहीं मॉम, यही सच है, रॉबिन मेरा पति और इस बच्चे का बाप है। सॉरी पिंकी मॉम, मैंने आपको भी बहुत दुख पहुँचाया है।